नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी। लोगों को रोजगार और उन्हें आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी लोगों की मदद के लिए नई योजनाएं बनाती रहती है, और इन्हीं योजनाओं में से एक है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2022, जिसमें लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार की तरफ से लजीज व्यंजन और मुँह में पानी लाने वाली मिठाइयों को बनाने के लिए मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ राज्य के हलवाइयों से लेकर बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनने वाले, नाई, सुनार, लोहार, कुमार, मोची आदि भी उठा सकते हैं। यही नहीं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2022 में इन लोगों को खुद का छोटा उद्योग स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2022 का उद्देश्य। पहला, राज्य के निर्धन और ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाना। दूसरा, लोगों की आय में वृद्धि करना। और अंत में ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम लोगों को आर्थिक तौर पर 10,000 से लेकर 10,00,000 रुपए तक की मदद की जाती है। प्रशिक्षण के दौरान व्यक्ति का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाती है, ताकि लोगों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप diupmsme.upsdc.government.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के कारीगरों को करीब 6 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इतना सब जानने के बाद कौन कौन कर सकता है आवेदन, आपको ये जानने की उत्सुकता तो होगी ही। आपको बता दें, इस योजना में आवेदन करने के लिए स्थायी निवासी होना चाहिए। 18 साल से अधिक व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। व्यक्ति केवल एक ही बार इस योजना का लाभ उठा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना में शामिल होने के लिए आपके पास नीचे दिए गए जरूरी कागजात होने चाहिए। आधार कार्ड, पहचान पत्र मूल, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।